डियर स्टूडेंट, वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 4.3। बट इट्स बिफोर ओपन बुक एंड कॉपी, यू कैन स्टॉप योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड। नाउ जस्ट सी योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यू हैव टू चूज राइट आंसर इन फर्स्ट 4² (3). हाउ विल यू सॉल्व? जस्ट सी सॉल्यूशन हेयर। यू हैव लर्न अ फार्मूला (e^m)^n, मीन्स हेयर m एंड n विल मल्टीप्लाई। सो 2 and 3 विल मल्टीप्लाई लाइक दिस, answer will be 4^6. So option C is right answer. Here 2 and 3 will multiply to each other. Second number, solve separately. -2^3, find out value of this number, find out value of this number, and both number multiply, you will get answer. Solution, you can see here, -2^3 is equal to 8. Here minus sign will be cancelled. Why? This is even number. Here minus sign will not be cancelled because this is odd number. So here will be 8 and here will be 16. Multiply this. And right answer will be D. -120 is right answer. Question number third. You are looking question number third. Choose right answer 3^0, 2^0, +1^0. In previous class, I have teach you if 0 is as power of any number, then answer will be 1. तो यहाँ पर 3^0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। 3^0, इसका वैल्यू 1. 2^0, इसका वैल्यू 1, एंड 1^0, इसका वैल्यू 1. नीचे 5^2 (25) and 5. सो 1 इज इक्वल टू 3, एंड इफ यू डिवाइड 25 बाय 5 यू विल गेट 5. सो राइट आंसर विल बी 3/5, मीन्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 4 given solution is equal to, so solve separately each part. Write 2 × 4/9 and 3 × -3/2. After that you multiply. Just see solution here. (4/9) (2) है तो 2 बार लिख लिया, ये (3) है तो 3 बार लिख लिया. आप कट करेंगे, इससे 3 × 3 = 9, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 = 4, फिर 2 से 2 कैंसिल. क्या बचा आपके पास? 4/9 और -3/2, जो बचा था मैंने यहाँ पर लिख दिया है. फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 × 2 = 4, और 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9, माइनस इन बचा रहेगा. सो राइट आंसर विल बी -2/3, मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले आप कुछ फार्मूले ध्यान कर लेंगे जिनकी यहाँ पर काम आएगा. (e^m)/(e^n) इज इक्वल टू (e^m+n). आप देख सकते हैं आपके ही बुक का पेज नंबर 87 रूल नंबर 3, यहाँ से सारे फार्मूले हेल्प आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. (e^m)/(e^n) इज इक्वल टू (e^m+n). सो सी सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट. -2/15 (6) एंड -2/15 = 3. हेयर अप्लाई (e^m)/(e^n).
वी हैव टू एड द पावर बिकॉज योर बेस इज सेम. सो 2 अपॉन 15 इज द बेस राइट सेम एंड एड द पावर 6 अपॉन 3 आंसर विल बी 9. सो राइट आंसर -2 अपॉन 15 पावर 9. एंड डी पार्ट रिमेनिंग बी पार्ट एंड सी पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ. इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन गिवन नंबर इन योर गिवन टाइम पीरियड. डी पार्ट सेम. हेयर पावर इज सेम बट बेस इज डिफरेंट. मीन्स ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बी टू द पावर एम. सो राइट लाइक दिस ए बी पावर एम. वी विल मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 एंड 6 अपॉन 5. कट हेयर 3 टू जा 6 माइनस 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 4 2 टू जा 4 4 अपॉन 5 टू द पावर 8. वन मोर पार्ट एप पार्ट. वन मोर क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. हेयर यू आर लुकिंग 16 अपॉन 5 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 5. सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1. 1 क्यों? क्योंकि पावर 0 है. अगर पावर 0 हो किसी भी नंबर का उसका आंसर 1 होता है. जैसे कि 10 टू द पावर 0 आंसर विल बी 1. 15 टू द पावर 0 आंसर विल बी 1. 20 टू द पावर 0 आंसर विल बी 1. 1 लाख टू द पावर 0 आंसर विल बी 1. चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो उसका पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा. सो राइट आंसर विल बी 3 अपॉन 8 टू द पावर 5. दिस इज द राइट आंसर. रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन एंड अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ सेम वॉट एवर यू हैव लर्न इन क्वेश्चन नंबर 5. सी सम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6. हेयर लुकिंग बेस इज सेम पावर इज डिफरेंट सो वी सेल एड द पावर -3 अपॉन 4 एंड पावर विल बी एडेड. सो राइट आंसर विल बी -3 अपॉन 4 पावर 5. एंड सी पार्ट सेम क्वेश्चन. बी एंड सी सेम क्वेश्चन एंड ए पार्ट डू योर सेल्फ. अगेन क्वेश्चन नंबर 7. ए टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर 6. हेयर सेम क्वेश्चन. बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट एंड हेयर सो अप्लाई हेयर ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन. योर सॉल्यूशन इज हेयर. वी हैव अप्लाइड दिस फार्मूला ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन. सो देयर शैल बी सब्ट्रैक्शन इन पावर. बेस सेम सब्ट्रैक्ट दिस 8 माइनस 6 दिस पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. सो दिस इज योर आंसर -8 अपॉन 15. बी पार्ट डू योर सेल्फ एंड सी पार्ट सेम. हेयर ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन बट एन इज ग्रेटर देन एम. सो विल से अप्लाई दिस फार्मूला 1 अपॉन एन माइनस एम. सो 1 अपॉन बेस सेम हेयर एन माइनस एम 1 अपॉन दिस नंबर. So here you can see this square is for both 1 also and 7 also. So iska answer hoga 49 means 1 upon 49 a1 hai na. Aise number ho jayega aapka. तो अगर ये 1 है ऐसे है तो ये नंबर 49 जो है ना वो ऊपर से मल्टीप्लाई होते हैं. इसका आंसर हो जाएगा केवल 49. 49 आंसर लिखेंगे या फिर केवल 7 का
स्क्वायर, दोनों नंबर सेम है, दोनों आपका सही आंसर है। 7 का स्क्वायर लिखो या फिर 49 लिखो, ये नंबर जो है ना रिवर्स हो जाएंगे, 1 के अपॉन नीचे है तो 7 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा। एक बार फिर देख लेंगे सॉल्यूशन। जो पहले आपका 1 है, इस 1 के नीचे भी 1 होगा, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 अपॉन 49 हो जाएगा। तो ये 49 मल्टीप्लाई होता है 1 से, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, तो 49 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आल्सो सो इजी पार्ट, यू कैन सी 3 टू द पावर 0 इसका वैल्यू भी 1, 5 टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1, 19 टू द पावर 0 इसका भी 1, तो 1 क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। 8 पार्ट का देख लेंगे सॉल्यूशन। इसका पहले मैंने 1 किया, इसका भी 1 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या हो जाएगा +1+1+1 ऐसे आंसर हो जाएगा क्या इसका 1/3। नीचे भी देखो सेम करो, है ना 4 to the power 0 है, इसका वैल्यू 1, इसका भी 1 है ना, ऐसे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा only 1। ये पार्ट ट्राई टू डू योर सेल्फ, जस्ट सी नाउ क्वेश्चन नंबर 9। यू हैव टू सॉल्व सिंप्लीफाई, हेयर यू आर लुकिंग 3 क्वेश्चन 3 पार्ट, आउट ऑफ देम आई विल टीच यू एनी 2 पार्ट एंड 1 पार्ट, डू योर सेल्फ, जस्ट सी सॉल्यूशन नाउ। बी पार्ट 3 to the power 8 एंड 8 to the power 5, हेयर 27 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो मैंने 3 को लिख लिया 8 टाइम्स और ए को लिख लिया 5 टाइम्स, आप देख सकते हैं 5 टाइम्स ए लिखा हुआ है, 27 है और ए इंटू ए। अब इसको हम काटेंगे, ए 1 2 1 2 दो ए कैंसिल हो गए, 3 से कट कीजिए इसको, ये पे कटेगा 9, फिर कटेगा 3, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया 3 3 3 3 5 तो 3 हैं और 3 तो ए हैं, 5 3 हैं और 3 ए हैं, तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे 3 के पावर 5 × 8 to the power 3। सेम सी पार्ट भी ऐसे ही बनेगा, -3/4 × 125/27। अच्छा बाकी ये जो टर्म है यहाँ पर डिनोमिनेटर है, अगर हम इस नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो ये नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि 5/3 है लेकिन मैंने यहाँ पर 3/5 लिखा है, क्योंकि पूरा नंबर इसलिए मैंने 5/3 को यहाँ पर किया है अपोजिट, 3 ऊपर 5 नीचे, 6 भी सेम मैंने वैसे ही किया है क्योंकि नंबर ये नीचे से ऊपर मैंने ले गया इसलिए। अब सॉल्व कीजिए, -3/4 को लिखिए 4 टाइम्स, इसको लिखिए 2 टाइम्स, 3/5 का स्क्वायर से लिखिए 2 टाइम्स, इसको कीजिए 16/9। पूरा को सॉल्व करेंगे आप काटेंगे आंसर आएगा 15/16। बाकी ये पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं सेम फार्मूला वही अप्लाई होगा, a^m मल्टीप्लाई a^n, वी हैव टू ऐड द पावर। तो पहले मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया ऐसे, इतना ही केवल इतना आ गया है ना 4/2+3/5। अब देखिए दोनों नंबर सेम ही हैं, दोनों को हम कट कर देंगे तो क्या बचेगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। एंड जो बी पार्ट है, बी पार्ट भी सेम देखिए वैसे ही है ना, दोनों सेम है, अगर आप 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वैसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। 11 पार्ट 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, आपका क्वेश्चन ये है वेरीफाई करना है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं LHS, इस पार्ट को क्या बोलते हैं RHS। जैसा आप वीडियो देख रहे हैं जिधर आपका राइट हैंड है ना, उसको बोलेंगे RHS, इधर आपका लेफ्ट हैंड है इसको बोलेंगे LHS। तो हम मैंने इसको लेकर सॉल्व किया और आंसर ये आ गया, तो वेरीफाई हो गया, मैंने लिखा LHS और केवल इस पार्ट को लिया है, पावर डिफरेंट है बेस सेम है, अप्लाई करेंगे फार्मूला
सेम ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन एट द पावर सो लाइक दिस हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स है ना, चेक कर बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे और आंसर आर एस के बराबर में आ जाता है तो ट्रू है नहीं तो फॉल्स है। ई पार्ट में देखिए ऐसे ही है ना, हेयर बेस डिफरेंट है पावर सेम है, मैंने सॉल्व किया तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे 15/10 × 10 = 100। यहाँ पर 10 है 100 नहीं है, मीन्स LHS पार्ट इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं रिमेनिंग पार्ट डू योरसेल्फ। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, यू कैन सी P का वैल्यू दे रखा है, ऐसे निकालना क्या है आपको वैल्यू P/Q का स्क्वायर। तो पहले इसको हम सॉल्व करके छोटा कर लेंगे फिर हम स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे। बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या होगा माइनस -2/3 × 1 = -2/3। अब स्क्वायर कीजिए मतलब कि इस नंबर का स्क्वायर करना है, P/Q का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4/9। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो पूरे वीडियो को एक बार फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सर से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग थ्रू ऑडियो कॉलिंग चाहे जैसे भी हो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।